दोस्तों आज की कहानी है पति देव बहन मायके में बैठी अच्छी नहीं लगती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। संभाली अपनी बेटी और नाती नातिन को, इनके साथ अब हम नहीं रह सकते। मैं सबरी जी ने जैसे ही कहा, कलावंती जी घबराते हुए पूछ बैठी, पर क्यों? देखिए बहन जी, आपने अपनी अंधी बेटी हमारे बेटे के संग ये कहकर ब्याह दिया कि उसे आप लोग कुछ पैसे देकर बिजनेस करवाएंगे, पर आपने 3 साल यूं ही गुजार दिए, ना पैसे दिए ना अपनी बेटी का कुछ सोचा। मैं सबरी जी ने रोष में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कलावंती जी गिड़गिड़ाते हुए बोली। कलावंती जी का बेटा हरीश ये सब देख रहा था। बहन मायके आ गई थी, ससुराल वाले ले जाने को तैयार नहीं थे। अपने खुद के 2 बच्चे करे तो क्या करे, फिर भी माँ और बहन की खातिर वह आगे बढ़कर बोले। पिताजी बीमार थे इसलिए बहन की शादी आनन फानन में कर दिया गया, फिर उनके अकस्मात निधन ने हमें तोड़ दिया। आप कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक से ना देख पाने की वजह से वैन हीरा लाचार थी और अब 2 बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। घर की आर्थिक स्थिति उससे छिपी हुई तो थी नहीं, फिर भी वह वापस उन लोगों के पास जाना नहीं चाहती थी जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते। उसने धीरे से माँ से कहा, माँ मुझे वहाँ मत भेजो ना। बेटी की बात सुन कलावंती जी ने बेटे की ओर लाचार नजरों से देखा और हरीश ने फिर एक भाई का फर्ज निभाते हुए महेश सबरी जी को अकेले विदा कर दिया। हरीश अपने बच्चों के साथ साथ बहन के बच्चों को भी बराबर प्यार दुलार और शिक्षा दे रहे थे। हरीश की पत्नी मीना कभी कभी गुस्सा करती तो कहती, बहन को कोई घर पर बिठाता है क्या? बात करके भेजिए उनके ससुराल पर। हरीश जी उन्हें मना लेते थे। हीरा के पति और ससुराल वालों ने पलट कर कभी उनका हाल समाचार ना लिया और हीरा के बच्चे समझ चुके थे हमारे पापा को पापा होकर भी हमारे लिए नहीं है। सारों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हरीश और हीरा की बेटी में साल भर का अंतर था। हरीश की बेटी नैना बड़ी थी और शादी योग्य हो चुकी थी। मीना कई बार कहती, अब नैना की शादी कर दो, पर हरीश जी कहते, पहले हीरा की बेटी का ब्याह करेंगे फिर। अपनी बेटी का लोग वैसे ही कहते रहते हैं, बहन को रखा बहुत है, देखते हैं ना भांजी का ब्याह कैसे और कहाँ करता। अपनी बेटी को अच्छे घर भेजेगा और बहन की बेटी का हाल भी बहन जैसा ही होगा। ये सब सुनना ही नहीं है, कुछ लोगों को बोल रखा है अच्छा रिश्ता मिलते निशी का ब्याह पहले करेंगे। मीना पति का हाल देख सा कर भी कुछ कह नहीं पाती थी, लड़का मिलते हरीश जी ने राशि निशी का ब्याह तय कर दिया। निशी ने कहा भी पहले नैना का ब्याह करे मामू, वह मुझसे बड़ी है, पर हरीश किसी का ना सुने। निशी का ब्याह हो गया। संजोग से ऐसा परिवार मिला जो उसे भी समझता था और उसके परिवार को भी। निशी परिवार की अहमियत समझती भी थी और निभाती भी थी। नैना का ब्याह करने से पहले ही एक दिन अचानक हरी जी का हृदयघात से देहांत हो गया। पूरा परिवार बिखर गया, कमाने वाला हाथ सला गया था। दोनों के बेटे अभी नौकरी करने के लिए हाथ पैर ही मार रहे थे। ऐसे में निशी ने बहुत ही व्यवहार कुशलता के साथ नानी मामी अपनी माँ और भाई बहन को संभाल लिया। मीना कहती, निशी अब तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, उसको संभालो, हम किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। हीरा और भाई की चिंता मत करो, हम जो खाते वह खिलाएंगे और जैसे रहते रखेंगे तब
हीरा मीना से बोली, भाभी जिंदगी का हर अच्छा बुरा पल एक सीख देता है। जब मैं ससुराल से त्याग दी गई थी तब मैं यही सोचती थी मेरा और बच्चों का क्या होगा। भैया ने जैसी भी परिस्थिति थी हमें रखा, अपने बच्चों की तरह मेरे बच्चों को संभाला, अपनी बेटी से पहले मेरी बेटी का ब्याह किया। यहाँ रहकर निशी ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो मामा मामी के हमारे लिए किए गए व्यवहार को भी निशी की जगह अगर नैना ये सब करती तो भी आप मना करती, आप कैसे सोच सकती हैं भाभी। निशी अपने मामा के जाने के बाद इस घर को भूल जाए, ये घर हमारा आसरा बना। भाभी आप दोनों ने सदा हमें सबसे ऊपर रखा, अपने बच्चों से ज़्यादा इन दोनों की फिक्र की, तो बस अब निशी को मना नहीं कर सकती। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि अब नैना का ब्याह हो और ये दोनों किसी नौकरी पर लग जाए। मीना ननन की बात सुन रो पड़ी, सोचने लगी। हरीश कहते थे देखना मीना, बच्चों को बराबर समझोगी तो वह भी हमें मान देंगे, अपना पराया करोगी तो वह भी कहाँ तक अपनापन जता पाएंगे। निशी ब्याह बात चली जाएगी और उसके बेटे के नौकरी लगते हो सकता वह भी उसके साथ ही रहने चली जाए, पर इतना यकीन है कुछ भी हो ये तुम लोगों का साथ जरूरत देंगे। समय एक सा नहीं रहता, बेटों ने नौकरी पा ली और नैना का भी ब्याह भी हो गया। सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं, पर एक बात उस घर ने समझा दिया, जरूरत पड़ने पर आज भी वह एक साथ मिलकर खड़े रहते हैं, शायद सुख हो शायद दुख हो।